किया था ना कि आज हम इन प्रश्नों से और भी क्या अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं उन पर अभ्यास करेंगे। तो तैयार सभी? यस मैम। आवाज तो धीमी है भाई। यस मैम। ओके, तो प्रश्न क्रमांक एक हमारा कह रहा है एक पुर्तगाली खोज करता, उसका नाम हमें यहाँ भरना है इसमें से चुन के, है ना, ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब आपके पास इसमें चार ऑप्शन हैं, ठीक है? मैंने बताया था इसमें से एक ऑप्शन में हमको क्या बनाना है, गोला बनाना है। कौन बनाएगा, दौड़ के आके बनाओ, जल्दी आओ, दौड़ो 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 दौड़ो। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर हाँ, तो उसमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। ठीक है, क्या ये उत्तर इसका? यस मैम। ताली बजा दो। ओके, तो अब इसके बाद इस ही एक वाक्य से हम और भी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि वास्को डिगामा कौन था? चलो बताओ। वास्को डिगामा है। खड़े हो के, खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो, खड़े हो जाओ, हाँ आ जाओ, दौड़ लगा के। वास्को डिगामा कौन था? जिस जिसको आता हाथ ऊंचे करो, जल्दी चलाओ, भूमिका दौड़ लगा के, हाँ आओ बताओ फटाफट। हाँ, वास्को डिगामा कौन था? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा कौन था? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वो कौन से सन में भारत आया? 1498 में भारत आया। उसने कौन से मार्ग की खोज की? समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में आने वाली सबसे पहली विदेशी जाति कौन सी थी? पुर्तगाली थी। तो इस एक प्रश्न से हमारे पांच प्रश्न बन जाते हैं और उसके इर्द गिर्द ही सारी जानकारी घूम रही है, तो हमें वो सब आना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, उसने समुद्री मार्ग की खोज 1498 में ही थी, अब पुर्तगाली था और सबसे पहले भारत में आया, अतः भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली सबसे पहली जाति कौन सी थी? पुर्तगाली। ऐसा एक प्रश्न आ सकता है कि भारत में आने वाली विदेशी जातियों, व्यापार करने के लिए आने वाली विदेशी जातियों में सबसे पहली कौन सी थी? अब उसमें आ जाएगा पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो आपको कौन सा उत्तर चुनना है? पुर्तगाली। कौन सा चुनना है? पुर्तगाली। और कब की थी खोज? तो जैसे 1498 है, 1598 हो सकता है, 1497 हो सकता है, 1600 हो सकता है, चार ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन हमको किस में टिक लगाना है? 1498। किस में लगाना है? 1498। तो हमें ये मतलब नहीं है कि ये जो प्रश्न बैंक में दिया है और उसके चार ऑप्शन दिया है तो प्रश्न सुने बिना ही वास्को डी गामा चिल्लाना शुरू कर दिया हमने, है ना। इस प्रश्न की हमको कॉन्सेप्ट पे जाना है और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे बन रहे हैं उन सब पर हमें अभ्यास करना है, ठीक है? अब हम प्रश्न क्रमांक दो पर आते हैं, ठीक।